नमस्कार माँ बच्चा में आप सबका स्वागत है। बारिश के मौसम में बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, बार बार कोल्ड कफ होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, फीवर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में बहुत आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, बारिश के मौसम में अगर बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, मतलब बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़े, बार बार सर्दी खांसी नहीं हो, तो क्या चीज़ों को बच्चे को देना चाहिए खाने में और क्या चीज़ों को नहीं देना चाहिए जिससे कि बच्चे बीमार ना पड़े। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि इस तरह की वीडियोस आपको और भी देखने को मिलती रहे। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले फूड की, कि बच्चे को क्या देना चाहिए डेली डाइट में जिससे कि बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो, उनको सर्दी खांसी बार बार नहीं हो। तो सबसे पहले लिस्ट में आता है गार्लिक, मतलब कि लहसुन। बच्चे को आप लहसुन खाने में दीजिए, लंच में भी दे सकते हैं, डिनर में भी दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लहसुन एक्चुअली थोड़ा सा गर्म होता है और ये बारिश के टाइम पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, अगर इस टाइम पे हम बच्चे को लहसुन खाने को देंगे तो बच्चे की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक सा रहेगा। और साथ ही जो गार्लिक होता है, लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। सर्दी खांसी अगर बच्चे को होती तो भी हम वैसे भी गार्लिक वगैरह देते हैं। तो आप बच्चे के डेली डाइट में आप गार्लिक देना स्टार्ट करिए, मतलब कुछ भी चीज़ अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो गार्लिक डाल लीजिए उसमें, थोड़ा सा दाल फ्राई कर रहे हैं, खिचड़ी फ्राई कर रहे हैं, सब्जी फ्राई कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो गार्लिक दीजिए डेली बेसिस पे, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। दूसरा चीज़ जो हमारे इंडियन स्पाइसेस होते हैं, मतलब कि आप जीरा, हल्दी, हींग, ये तीनों को भी आप बिल्कुल डेली बेसिस पे दे सकते हैं बच्चे के खाने में। हल्दी में भी बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कि बच्चे को सर्दी खांसी से बचाता है। हल्दी को आप चाहे तो खाने में तो दे ही सकते हैं, मतलब जब आप फ्राई वगैरह कर रहे हैं दाल को तब तो दे ही सकते हैं, या फिर आप बच्चे को उसमें दूध में मिलाकर दे दीजिए, या चाहे तो आप दूध में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा हल्दी मिलाकर काढ़ा तैयार करके बच्चे को दे सकते हैं रात को सोने से पहले, बहुत ज्यादा बच्चे को फायदा करेगा और बच्चे का इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। हींग, आप सबको पता है कि हींग भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है सर्दी खांसी से, और साथ ही डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जनरली क्या होता है, ये बारिश के टाइम पे भी जब ये ह्यूमिडिटी वाला जो सीज़न आता है उस टाइम पे हमारा बॉडी जो होता है वो डाइजेस्ट करने में खाने को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है खाना जल्दी से। बट अगर आप हींग देंगे बच्चे को डेली तो गैस वैस बनने का जो भी खतरा है वो नहीं होगा, बहुत आराम से गैस रिलीज होगी और बच्चे को अच्छा भी लगेगा। तो आप कुल मिला के गार्लिक, हींग, जीरा और टर्मरिक, हल्दी, ये चारों को आप डेली बेसिस पे बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे बच्चे को देना है दाल। दाल अगर आपका बड़ा बच्चा है, 1.5-2 साल का हो गया है, तो आप किसी भी तरीके की दाल दे सकते हैं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन से भरपूर होती है और बच्चे की डेली डाइट में प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दालों को भी आपको बच्चे की डाइट में डेली डालना ही चाहिए, भले डिनर, लंच या दोनों में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खिचड़ी में दे दो आप, दाल के पराठे बना दो, या दाल को आप सूप की तरह दे दो बच्चे को, लेकिन दो, मतलब बच्चे को डेली डाइट में आप दाल दे सकते हैं। अगला जो है, जो कि आपको बच्चे को देना है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, अगला फूड है वो है ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। अब जैसे थोड़ी बड़ा बच्चा है, जैसे कि मान लीजिए 1.5-2 साल का बच्चा है जो कि च्यू कर सकता है, तो मेरे हिसाब से अगर आप उसको ड्राई फ्रूट्स पाउडर ना भी दे तो भी चलेगा, उसकी बजाय आप डायरेक्ट बच्चे को ड्राई फ्रूट्स दीजिए, ज़्यादा फायदा करेगा। मतलब कि जैसे एलमंड्स होते हैं, तो एलमंड की मैं बात करूं, रात को आप भिगो दो पानी में और सुबह आप बच्चे को सबसे पहले एलमंड दो। अगर पानी पीता है सुबह उठने के बाद बच्चा तो भी उसके बाद चलेगा एलमंड देना, बट भिगो के अगर आप बच्चे को एक एलमंड भी दोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। मेरी बेटी 2.5 साल की है, मैं इस टाइम पर उसको 2 एलमंड दे रही हूँ और पूरी तरीके सेफ से सेफ है, जो इसकी गर्माहट होती है वो एक्चुअली निकल जाती है रात भर भिगोने में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं करता है अगर हम बच्चे को देते हैं खाने में। तो एलमंड दे सकते हो, इसके अलावा रेजिन्स, मतलब जो किशमिश होते हैं वो भी बहुत बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं, आयरन रिच होते हैं। ड्राई डेट्स दीजिए, ड्राई डेट्स अब बच्चे जल्दी खाएंगे नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, ड्राई डेट्स का पाउडर बना सकते हो। ड्राई डेट्स का पाउडर को आप जैसे ड्रिंक मिक्स की तरह दे सकते हो, दूध में 1 चम्मच ड्राई डेट्स पाउडर मिला के दीजिए बच्चे को, बहुत ज़्यादा आयरन रिच होता है, खून की कमी कभी नहीं हो पाएगी बच्चे को, बहुत सारे गुण होते हैं उसमें। क्योंकि क्या होता है, खून की कमी की वजह से भी कई बार बच्चे बहुत बार बार बीमार पड़ते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस डाइट अगर हम बच्चे को देंगे तो बच्चे में बिल्कुल भी खून
की भी कमी नहीं होने पाएगी और बच्चा बीमार भी नहीं पड़ेगा बार बार। तो ड्राई फ्रूट्स और नट्स आप दीजिए बच्चे को। अगर आपका बच्चा कुछ ज़्यादा ही छोटा है, च्यू नहीं कर पा रहा है, तो आप ड्राई फ्रूट्स पाउडर उसके इसमें दे सकते हैं। बट अभी तो मैं अग्रिमा को, अपनी बेटी को, ड्राई फ्रूट्स ही देती हूँ। पाउडर मैंने छोटे में दिया है, बट अब नहीं देती हूँ मैं पाउडर। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप बच्चे को सूप दे सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, टोमेटो सूप वगैरह दे सकते हैं। सूप में भी थोड़ी सी गर्माहट होती है, जैसे कई बार होता है कोल्ड कफ होता है बच्चे को और बच्चा कुछ भी खाने के लिए राजी नहीं होता, उस टाइम पे बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बट अगर आप गुनगुना सूप देंगे बच्चे को तो बहुत ज़्यादा पसंद भी करेगा बच्चा, अच्छा भी लगेगा और रिलीफ भी मिलेगा। सूप देंगे ना हम तो बहुत ज़्यादा सिकाई हो जाती है गले वगैरह की, तो जो कंजेशन वगैरह होता है वो सब कुछ मतलब अच्छा लगेगा बच्चे को। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपको बच्चे को बारिश में जरूर देनी चाहिए। अब बात करते हैं ऐसे फूड्स की जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉ वेजिटेबल या फ्रूट्स की। अब बारिश के मौसम में जनरली कुछ ऐसी सब्जियां जो कि मतलब जिनमें कीचड़ होता है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं, पालक की सब्जी वगैरह, इस टाइम पे आप मत दीजिए बच्चे को, क्योंकि वो इतनी अच्छे से साफ नहीं होती है। हमें दिखती तो साफ है बट होती नहीं है वो साफ, तो हम वो बच्चे को एक्चुअली नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे मशरूम हो गया, वो भी हम नहीं दे सकते हैं बच्चे को, क्योंकि अच्छे से क्लीन नहीं होता है और उल्टा अगर हम बच्चे को दे देंगे तो इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा फ्राइड फूड्स बच्चे को देना अवॉइड करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये ह्यूमिडिटी वाला जो मौसम होता है इस टाइम पे डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो फ्राइड फूड अगर आप बच्चे को देंगे तो ऑब्वियसली डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी बच्चे को और वो अननेसेसरी बच्चे को प्रॉब्लम देगा, तो इसलिए आपको फ्राइड फूड भी नहीं देना है। इसके अलावा स्ट्रीट फूड हो गए, जैसे कि भेल पूरी, चाट पूरी, चाट और ये पानी पूरी, दही पूरी, दवाने भर की जहां पर पानी स्टोर होता है एक्चुअली, उसमें कई बार आप देखोगे ठेलों में जो लगे रहते हैं ना, और उसमें जो पानी होता है उसमें कई बार मच्छर पनप जाते हैं। तो प्लीज ये सब चीजें, बाहर का खाना तो बिल्कुल ही नहीं देना है आपको। अलावा जो ये ठेले वाली जो लॉलीज मिलती है, गोला बर्फ का गोला वगैरह मिलता है, चुस्की जिसको हम बोलते हैं वो मिलता है, वो भी नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। इतने तो आप समझदार होंगे हालांकि कि नहीं देते हैं, बट अगर देते हैं तो मत दीजिएगा। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी मत दीजिए इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम है और सॉफ्ट ड्रिंक बच्चे को नुकसान करेगा इस टाइम पे। मैंगो इस टाइम पे बिल्कुल भी मत दीजिए। बारिश के बाद के मैंगो वैसे भी बहुत बेकार होते हैं, मतलब वो नुकसान ही करते हैं, स्किन रैशेस वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो एक बारिश पड़ गई है उसके बाद के मैंगो, तो मैंगो को तो आपको खुद भी नहीं खाना चाहिए, बच्चे को तो देना ही नहीं है। इसके अलावा बारिश के मौसम में दही को आप अवॉइड करिए, क्योंकि दही थोड़ा सा ठंडा होता है नेचर में और बच्चे को नुकसान कर सकता है, कोल्ड कफ और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कोशिश करिए कि बारिश के मौसम में दही ना दे और लस्सी वगैरह भी ना दे, दही से बने हुए जो भी दूसरी चीज़ें हैं वो भी मत दीजिए। दूध वगैरह आप बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दही नहीं देना है आपको। इसके अलावा बच्चे को पानी दीजिए, जितना ज़्यादा पिएगा पानी उतना अच्छा होगा, क्योंकि बारिश के मौसम में होता क्या है, बच्चा बार बार पी जाता है, फ्रिक्वेंट पी करता है, और जिसकी वजह से बच्चे में पानी की कमी हो सकती है। तो आप बच्चे को पानी जितना ज़्यादा हो सकता है दीजिए पीने के लिए, जिससे कि उसकी बॉडी में पानी की कमी होनी नहीं पाए। ध्यान दीजिए बच्चे के यूरिन का कलर को, बच्चे के लिप्स ड्राई नहीं होने पाए, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए कुल मिला के, क्योंकि इसकी वजह से ही बच्चे को कई बार दस्त लग सकते हैं जो कि बहुत भयंकर रूप ले सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप शुरू में ही ध्यान दीजिए, पानी दीजिए जितना पी सकता है, पानी अच्छा होगा बच्चे के लिए। और जितना भी दीजिए घर का बना खाना ही दीजिए, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करिए। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा दूसरे पेरेंट्स के साथ जिससे कि उनकी हेल्प हो सके, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।